हेलो हेलो बड़ी हेलो बड़ी हेलो फ्रेंड्स हवाई यू दोस्तों कैसे हो आप लोग क्या हाल चाल और बवाल है आपका कैसे हो आप लोग क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग आ जाइए और बड़ी आप तो ढोकले लग रहे हो सर ऐसा क्या खाजा बेटा खा ले ढोकले ढोकले लग रहा हूं खा ले बेटा पुष्कर ओके okay बड़ी गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आज से अपन चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करें दिस विल बी लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर लास्ट चैप्टर है आपका एंड जैसे मैंने बोला था पंद्रह तारीख तक हम विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सिलेबस तो बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाएगा देन विल स्टार्ट विद द मिनी मैराथॉन्स मिनी मैराथन चालू करेंगे कंपनी लॉ का मैराथन चालू करेंगे अभी ठीक है ना कंपनी लॉ का मैराथन चालू करेगा मैं फाइनेंशियल इंडियन इकोनॉमी यस गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चलिए अभी हम लोग चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नॉट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है ना चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली में आज फिर किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ अरे बाप रे ये भी अलग मेंटेलिटी के लोग है बे बिल्कुल मतलब कैसे रहते हैं लोग यार हाँ दिल्ली में होते रहते हैं लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना क्या मेंटेलिटी है लोगों की मतलब कुछ अलग ही चीज है यार मतलब खतरनाक लोग रहते हैं यार हाँ मतलब हद है यार चलो ओके बेटा अमर जी बस स्टार्ट कर रहे हैं आइए चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर फोर पे आ जाइए जल्दी से सर इंडियन यूनियन बजट कब होगा ऑलरेडी करवा दिया बेटा अनुज जी ऑलरेडी करवा दिया इंडियन यूनियन बजट कहाँ थे आप आ? बहुत अच्छे से करवाया है वो तो चलिए वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या चालू कर रहे हैं बेटा अपन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इसको भी मैं ना जो जो ये ये वाली अंडरलाइन वाली है ना वो पीडीएफ भेज दूंगा आपको मैं तो उससे पढ़ लेना आप चैप्टर नंबर फोर भी इंडियन इकोनॉमी करवा दिया बेटा आप गुस्से में क्यों लग रहे हो नहीं बेटा गुस्सा तो करता ही नहीं हूँ मैं बाबू गुस्सा तो करता ही नहीं हूँ गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है आइए सो so, देखो यार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें देखो किस चीज़ के बारे में पढ़ना है हमको इस चीज़ को समझना पहले सी वट इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एक चीज को समझो बेटा आज हम बात करते हैं बैंक की तो बैंक क्या करते हैं बताओ बैंक क्या करता है ये बताओ बैंक लोगों से पैसा लेता है और लोगों को पैसा देता है जिनको जरूरत है उनको पैसा देता है है ना और जिनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उनसे डिपॉजिट ले लेता है तो कहने का मतलब क्या है ना बेटा कहने का मतलब यही है कि ये क्या है ये फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या है आपका फाइनेंशियल मार्केट है ठीक है ना मैंने भेज दिया था यार सर सिलो का मैराथन कब होगा ये नेक्स्ट वीक में अपन सिलो का मैराथन करेंगे ठीक है अगले वीक में अपन सीलो का एक बड़ा मैराथन करेंगे छोटा मैराथन फ्रार नहीं करेंगे कैसा करेंगे बड़ा मैराथन करेंगे मतलब समझ लो अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा सात घंटे का सात घंटे का मैराथन करेंगे अपन कंपनी लोगों का और खत्म कर देंगे उसको पूरा एक ही दिन में कंपनी लो निपटा देंगे कितने घंटे का करेंगे बेटा सात घंटे का मैराथन करेंगे ठीक है उसके पहले आपको क्या करना है उसके पहले आपको मैं कुछ लिंक दे रहा हूं बेटा वो एक बार आपको देख लेना है ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू आ जाएगा हालांकि मैं बहुत डिटेल ही करवाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल्ड मैराथन लेने वाला हूँ मैं एकदम वेरी डेप्ट में है ना एकदम अंदर जा जा कर एकदम डिटेल वाली मैराथन लूंगा बेटा ठीक है तो अगले हफ्ते में लेंगे बेटा सर वो कल वाली मॉड्यूल नहीं आई मैं कल वाली नहीं आई मैंने बोला था ऑफिस में मैंने भेज भी दिया उनको ठीक है मैं एक बार चेक करवाता हूँ उनको रिसेंड करवाने को बोलता हूँ यार ठीक है तो एक बड़ी मैराथन आने वाली है कंपनी लॉ की समझ दीजिए ये बीस तारीख के पहले पहले हो जाएगी बीस तारीख के पहले पहले कर देंगे अपन है ना कंपनी लॉ का एक बड़ा मैराथन करेंगे बीस तारीख के पहले पहले ठीक है ना दोस्तों चलिए यार तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की जब बात होगी मेरी बात को ध्यान से सुनना तो देखो यार मार्केट क्या होता है बेटा मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट क्या होता है ना मार्केट के अंदर देखो अलग अलग टाइप के मार्केट आते हैं जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो उसके अंदर बैंक आ जाता है शेयर मार्केट आ जाता है म्यू म्यूचुअल फंड आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है तो यहां मार्केट का फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या हो गया जहां पे ट्रेडिंग होती है मार्केट में क्या होता है ट्रेडिंग किसकी गुड्स की लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग किसकी होती है स्टॉक मार्केट बॉन्ड मार्केट फॉरेक्स मार्केट डेरिवेटिव मार्केट मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा जी यहाँ पे जो ट्रेडिंग होगी वो शेयर्स की ट्रेडिंग होगी बॉन्ड की ट्रेडिंग होगी मतलब यहाँ पे भी ये भी मार्केट है बेटा ये भी मार्केट है लेकिन ये कौन सा वाला मार्केट है जहां पे स्टॉक है बॉन्ड है इसकी सबकी क्या हो रही है बेटा जी आपकी ट्रेडिंग हो रही है तो स्टॉक मार्केट अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें सबसे पहला है स्टॉक मार्केट अच्छा स्टॉक मार्केट में क्या बिकेगा ये बताइए आप शेयर्स बिकेंगे है ना स्टॉक मार्केट में क्या बिकेगा शेयर्स बिकेगा स्टॉक मार्केट में बेसिकली आता है आईपीओ आईपीओ का मतलब हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर मेरी बात को आराम से सुनना समझना और उसके बाद आंसर करना ना अच्छा आपने आईपीओ सुना आईपीओ आईपीओ जब पहली बार कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है पहली बार पब्लिक को जब कंपनी शेयर्स बेचती है उसको हम बोलते हैं आईपीओ दैट इज व्हाट इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट टाइम कंपनी किसको शेयर्स बेच रही है पब्लिक एट लार्ज को फर्स्ट टाइम किसको शेयर्स बेच रही है पब्लिक एट लार्ज को इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जी आपका आई पी ओ दैट इज वॉट इनिशियल पब्लिक ऑफर आई पी ओ दैट इज वॉट बेटा आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर तो ये किस में आएगा ये स्टॉक मार्केट में आता है ये किस में आएगा बेटा स्टॉक मार्केट दूसरा है ओवर द काउंटर मार्केट ओवर दी काउंटर मतलब जहां पे फिजिकल ट्रेडिंग होती है जैसे लेट से ये सुबह सुबह अपना हर्ष बाबू नहीं क्या नाम है साहिल बाबू उठा इसको सुबह सुबह उठा तो ये भूल गया कि मेरे तो मेरा तो पैकेट ही खत्म हो गया है अरे हंस क्या रहा है गंदा आदमी कौन से पैकेट की बात कर रहा हूं मैं मैगी के पैकेट की सुबह सुबह नाश्ता करना होता है बेटा क्या सोच रहा है तू गंदा आदमी ओके तो साहिल उठा और उठे उठे सोचा अरे मेरा तो खत्म हो गया है मैगी का पैकेट तो ये मार्केट में गया दुकान में गया और दुकान से मैगी का पैकेट खरीद के आया दिस इज वॉट ओवर दी काउंटर काउंटर पे गया मैगी का पैकेट खरीदा वहां पे आंटी थी आंटी को बोला आंटी जी आंटी जी आंटी जी मेरे को देना ना पैकेट तो आंटी जी बोले कौन सा पैकेट बोले मैगी वाला आंटी कंधा नहीं सोचना बेटा तो दो तो ओवर दी मार्केट ठीक है ना इसको क्या बोलेंगे बेटा जी ओवर द काउंटर मार्केट हॉर्लिक्स का पैकेट बेटा वो जमाना गया अभी पैकेट दूसरा कुछ खरीदो ये जमाना गया हॉर्लिक्स क्या खरीद रहे हो भाई मैगी वैगी तो समझ सकते हैं हम लोग हॉर्लिक्स कौन खाते हैं अभी बॉनविटा पीने की उम्र है तुम्हारी <coughs> कुरकुरे का पैकेट वंशिका बोली कुरकुरे नहीं सुबह नहीं, सुबह कुरकुरे नहीं खाते हैं बेटा तीसरा है बॉन्ड मार्केट तीसरा कौन सा मार्केट है बॉन्ड मार्केट तो जैसे शेयर होते हैं वैसे बॉन्ड्स भी होते हैं जेम्स बॉन्ड नहीं है बेटा यहाँ पे जेम्स बॉन्ड नहीं है बॉन्ड का मतलब हो गया कि जो पैसा अपने को लोन के फॉर्म में मिलता है ठीक है ना एक एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमको पैसा लोन के फॉर्म में मिलता है और हम उनको क्या इशू करते हैं दोस्तों बॉन्ड इशू करते हैं ठीक है जैसे मेरे को पैसा चाहिए तो मैं आपको क्या इशू करूंगा बॉन्ड जैसे शेयर्स होते हैं शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है तो बॉन्ड के ऊपर क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड के ऊपर क्या मिलता है भैया इंटरेस्ट मिलता है शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है भैया डिविडेंड मिलता है गॉट द पॉइंट बेटा दिस इज नॉट बॉन्ड मार्केट नेक्स्ट वन है मनी मार्केट मनी मार्केट का मतलब हो गया जहां पे शॉर्ट टर्म मार्केट है जो मार्केट लेस देन वन ईयर का है जो मार्केट कौन से ईयर का है लेस देन वन ईयर का है उसको क्या बोलते हैं बेटा मनी मार्केट और मनी मार्केट मतलब लेस देन वन ईयर ये इंपॉर्टेंट चीज समझने जैसी है मनी मार्केट मतलब क्या होता है लेस देन वन ईयर बॉन्ड मार्केट इज ऑल्सो डेट हाँ डेट मैं सर उस चॉकलेट हॉलिस के पीछे का रेफरेंस समझिए गंदा आदमी पुष्कर चॉकलेट पसंद है इसको गधेड़ा यस करेक्ट है तनुजा जी वेरी गुड बेटा अच्छा अभी है डेरिवेटिव मार्केट आपने देखो ऑप्शंस के बारे में सुना होगा किसके बारे में सुना होगा ऑप्शंस या आपने फ्यूचर्स के बारे में सुना होगा नहीं सुना है तो अभी मैं देखो आपको लाइव दिखा देता हूं ठीक है मैं आपको लाइव दिखा देता हूं ये देखना जी अभी जरा अच्छे से है ना जरा मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं आज मैं आपके सामने ट्रेड कर रहा हूं समझ लो जिसका वैल्यू रहेगा ट्रेडिंग का वैल्यू रहेगा ट्रेडिंग का वैल्यू रहेगा समझ लो आज मैं आपको पाँच लाख का ट्रेड करके दिखाता हूं कितने का हाँ ऑनलाइन ट्रेड कर रहा हूं मैं पाँच लाख का देखना बेटा जी सबसे पहले मेरे को बताओ अभी मैं खरीद रहा हूं निफ्टी खरीद रहा हूं निफ्टी का वैल्यूएशन कितना चल रहा है सेकेंड दिख रहा है कि निफ्टी दिसंबर दूसरे पे दिख रहा है क्या अठारह हजार दिख रहा है क्या 18736 ठीक है अब मुझे बताओ मैं आपको बता रहा हूँ कितने का कितने का ट्रेड ले रहा हूं मैं पाँच लाख का अभी निफ्टी खरीद रहा हूँ मतलब मैं क्या खरीद रहा हूँ उसका ऑप्शन खरीद रहा हूँ फ्यूचर खरीद रहा हूँ क्या खरीद रहा हूँ ऑप्शन खरीद रहा हूँ फ्यूचर खरीद रहा हूँ ये देखो मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ कैलकुलेटर ले लो आप कैलकुलेटर ले लो कैलकुलेटर देखो कैलकुलेटर में डाल के देखो बेटा मैंने निफ्टी खरीदी देखो बेटा जी आपके सामने खरीद रहा हूं देख लो अठारह हजार सात सौ चौंतीस चल रही है अभी निफ्टी बेटा दिख रहा है क्या मल्टीप्लाई बाय सौ रुपये करो अठारह हजार सात सौ चौंतीस मल्टीप्लाई बाय सौ करो तो कितने का वैल्यूएशन हो गया इंटू हंड्रेड कितना हो गया कितना हो गया अठारह लाख का ट्रेड कर रहा हूं चलो अठारह लाख का ट्रेड अभी बोल दिया तो अठारह लाख का ट्रेड कर रहा हूं मतलब अठारह लाख का माल खरीद रहा हूं अभी मैं ठीक है ख़रीद लूँ ये लो साला नुकसान होगा तो तुमसे ही लूँगा बता दे रहा हूँ नुकसान हुआ तो तुमसे लेने वाला हूँ ये लो खरीद लिया मैंने हंड्रेड निफ्टी मैंने खरीद लिया दिख रहा है क्या हंड्रेड निफ्टी मैंने खरीद लिया एक सौ का नुकसान हो गया मेरे को अब बीच अभी भैया ये जो भी नुकसान हुआ आधा आधा हटेंगे बता दे रहा हूँ आधा तुम करोगे आधा मैं करूंगा तो अभी देखो जो मैंने खरीदा ना ये कौन सा मार्केट है मालूम ये ये डेरिवेटिव 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 मार्केट मार्केट है 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 कौन सा का का मतलब होता है जिसका खुद वैल्यू नहीं होता है वो अपना वैल्यू किसी और से डिराइव करता है अच्छा मेरे को बताओ पनीर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है पनीर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है दूध के ऊपर तो दूध ये अंडरलाइंग एसेट हो गया दूध क्या हो गया अंडरलाइंग एसेट और दूध का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा सॉरी दूध का वैल्यू पनीर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा दूध के ऊपर तो पनीर क्या है मालूम प्रैक्टिकल है या ओरिजिनल ट्रेडिंग अबे पागल है क्या प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की ट्रेड करा है मैंने बोले प्रैक्टिकल है क्या मजा ले रहे हो हमारे अरे भाई प्रैक्टिकल लिए हैं बेटा ये देखो प्रॉफिट दिख रहा है पाँच सौ पाँच का ये लो अभी तुम्हारे सामने प्रॉफिट भी ले, ले लेता हूँ मैं तुमको मजाक लग रहा है मेरे को हल्के में ले रहे हो तुम लोग मेरे को दिख रहा है क्या प्रॉफिट ये लो प्रॉफिट ले लू मैं पाँच सौ पैंतीस रुपये का ठीक है पाँच सौ रुपये का प्रॉफिट ले लेता हूँ चलो यार वैसे पाँच सौ रुपये में कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि उतना तो कमीशन ही लग जाता है ठीक है ना पाँच सौ रुपये में कोई मिलने वाला नहीं है बेटा <coughs> सर एलेबरेट डेरिवेटिव मार्केट हाँ हाँ डेरिवेटिव मार्केट ही बता रहा हूँ मैं टेंशन कहाँ ले रहे हो आप टेंशन कहाँ ले रहे हो आप ठीक है चलो यार अभी के लिए तो मैं क्लोज कर देता हूँ मेरी पोजिशन ये लो ठीक है क्लोज कर दिया क्या हुआ है लो तुम्हारे चक्कर में है ना लॉस हो गया सर सत्तर रुपए का लॉस हो गया मेरे को सत्तर रुपए का लॉस हो गया बेटा सर एक बार और कर दो इनको यकीन हो जाए, आ, बस यही करवाओ तुम तो मेरे को बैठे बैठे स्टॉक मार्केट का क्लासेस चालू करेंगे ना अपन तुम्हारे एग्जाम की बात करेंगे चलिए ओके सो देखो यार डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है समझो मुझे एक बात बताओ पनीर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है दूध के ऊपर तो पनीर को जो बेचना और खरीदना है ना उसको बोलते हैं डेरिवेटिव पनीर इज अ वॉट डेरिवेटिव डेरिवेटिव मतलब जिसका वैल्यू क्या करता है दोस्तों जिसका वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन खरीदते हैं हम लोग है ना जैसे मैंने टाटा मोटर्स का फ्यूचर खरीद लिया फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेटा है ना फ्यूचर इज अ सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ थोड़ा जल्दी पढ़ाओ क्यों भैया सुसवाई है तेरे को हाँ हा? कहाँ जाना है तेरे को बेटा दीक्षा सिंह कहाँ बेटा कहाँ पलवेल निकलना है तेरे को जल्दी पढ़ाओ बोले कोई जल्दबाजी नहीं है भैया मोदी सर बेटा ऊपर फोर्थ फ्लोर पे है क्यों क्या हो गया क्या हो गया फोर्थ फ्लोर पे एस बी सी हाँ हाँ जी चलिए ठीक है सो डेरिवेटिव मार्केट का मतलब हो गया फ्यूचर मार्केट ऑप्शन मार्केट है ना जैसे हम लोग टीसी रिलायंस का शेयर खरीदते हैं वैसे हम रिलायंस का फ्यूचर भी खरीद सकते हैं ठीक है फ्यूचर देखो अभी आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा है ना ये फॉरेक्स ये आपका डेरिवेटिव मार्केट सुनने में बड़ा हेवी हो जाएगा एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे अपन सर तो कुछ समझ नहीं आया चलो डेरिवेटिव मार्केट को एक शॉर्ट में मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से सुनो हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छे लेवल पे हम पढ़ेंगे जब हम ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे ना तो वहां हम पढ़ेंगे अभी आपको थोड़ा कमी समझ में आएगा बट ठीक है फिर इसे एक बार मैं कोशिश करता हूं मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ बेटा जी पनीर का वैल्यू मिल्क के ऊपर डिपेंड करेगा हा है ना अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो क्या पनीर का प्राइस भी बढ़ेगा मिल्क का प्राइस कम हो गया तो पनीर का प्राइस भी हाँ या ना मतलब मैं बोल सकता हूं पनीर अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है किससे मिल्क से पनीर अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है किससे अंजलि जी मिल्क से तो मिल्क हो गया अंडरवेयर सॉरी अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया ये अंडरलाइंग एसेट और ये हो गया इसका डेरिवेटिव क्या हो गया डेरिवेटिव देखो डेरिवेटिव मतलब इसका वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंड है उसका वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंड है उसको क्या बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट विल टेक वन मोर बाबू एक और से आपको मैं समझा देता हूं जैसे क्रिकेट का जो बैट बनता है क्रिकेट का जो बैट बनता है उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा वुड के ऊपर अगर वुड का प्राइस बढ़ गया तो बैट का प्राइस भी पढ़ेगा ना हा या ना तो मैं बोल सकता हूं वुड जो है वो अंडरलाइंग एसेट है कौन सा एसेट है अंडरलाइंग और बैट जो है वो क्या है बेटा उसका डेरिवेटिव है डेरिवेटिव मतलब जिसका खुद का वैल्यू नहीं है वो वैल्यू किससे डिपेंड कर डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से वैसे ही शेयर रिलायंस का एक तो शेयर है और एक रिलायंस का डेरिवेटिव है दीक्षा बोली सर एग्जीक्यूटिव में भी फ्री क्लासेस नहीं मिलेगी क्या हाँ बेटा एग्जीक्यूटिव भी फ्री प्रोफेशनल भी फ्री तुम्हारे रहने खाने का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा सब मैं करने वाला हूँ दीक्षा बेटा कैसे भैया क्या करते हो भाई कैसे कैसे मतलब भाई ईटी e फ्री करवा रहे हैं देखो पहले दो चीजें हैं ईटी e एक ईटी e का सिलेबस भी छोटा है ठीक है दूसरा दूसरी चीज़ यह है कि भैया ई e का एग्जाम भी साल में चार चार बार हो रहा है ठीक है तो एज अ सोशल सर्विस हमने स्टार्ट किया था कोविड में एक्चुअली इट वॉज नॉट प्लान की अभी जिंदगी भर ईटी e. फ्रीज करेंगे ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था एक्चुअली ऐसा था कोविड के टाइम पे अब घर पे बैठे थे हम भी और सबकी फैमिली की इनकम भी बंद हो गई थी सबकी मतलब तो अभी कैसे पैसे मांगे ना और पढ़ाना तो था हमको तो हमने ऐसे ही फ्री चालू कर दिया सी फाउंडेशन फ्री चालू कर दिया सी ए सी फ्री चालू कर दिया बस वो प्रथा चलती आ रही है बेटा जब तक चलेगी तब तक चलेगी बेटा जिस दिन रुक भी सकती है ये हाँ तो अभी आप मजे ले लो बेटा रिक्शा बोल रही है सर एग्जीक्यूटिव भी फ्री पढ़ा दो बताओ क्या मतलब हद है करके एक किडनी दी तो सर एक ही किडनी दी है दूसरी भी दे दो सर है क्या ही करो सर कर दो सर फ्री कर दो सर हाँ अब तो फ्री कर देंगे बेटा फिर तुम जब सी एस बन जाओगे ना तुम भी सालों फ्री में काम करना फिर तुम करोगे फ्री में काम तुम करोगे फ्री में काम करोगे फ्री, फ्री कर दो बोले ऑलरेडी इतना प्राइस कम है अभी मैं बताऊँ ऑनलाइन का अपना फीस है पच्चीस हज़ार रुपये अभी एग्जीक्यूटिव का कितना मैंने मैं मैं जब सी एस कर रहा था ना मैंने 45000 हजार रुपए दिए एग्जीक्यूटिव के मैं जब कर रहा था आज के आठ दस साल पहले की बात है भाई कर दो ना सर कर दो ना सर फ्री सब चालू कर दो ना सर परंपरा प्रतिष्ठान ना। ना सर, सर फेस टू फेस भी कर दो सर है ना रेंट क्या ही आता है आपको रेंट है सब कर दो सर सर हमारे बैच के लिए फ्री कर दो हाओ। <coughs> कर दो बेटा कर चलो अभी पढ़ाई करें ठीक कर दो सर अभी एग्जीक्यूटिव का अभी पचास हज़ार है ना हाँ अभी पचास हजार फेस टू फेस का है ऑनलाइन का तो पच्चीस ही है ना भाई आधा ही है ना जैन में कुछ ऑफर पड़ता है आएगा कुछ ऑफर तो आएगा न्यू ईयर का ऑफर आएगा तब ले लेना चलो आगे बढ़ेगा ओके सो डेरिवेटिव मार्केट मतलब जिसका वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंड करता है तो रिलायंस के शेयर्स भी है उसके फ्यूचर्स भी है ओके नेक्स्ट जो है ना फॉरेक्स मार्केट जैसे फॉरेन करेंसी मैंने डॉलर खरीदा तो जहां पे डॉलर की ट्रेडिंग होती है डॉलर है या जैपनीज येन है या पाउंड है है ना तो ये जो है ये चीजें जो हम खरीदते हैं बेचते हैं उसको बोलते हैं बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं बेटी फॉरेक्स मार्केट उसको क्या बोलेंगे बेटा आपका फॉरेक्स मार्केट फिर है कमोडिटी मार्केट कमोडिटी मार्केट मतलब जहां पे आप गोल्ड खरीदते हो सिल्वर खरीदते हो प्लेटिनम खरीदते हो या फिर नेचुरल गैस खरीदते हो ऑयल खरीदते हो इसको कौन सा मार्केट बोलते हैं कमोडिटी मार्केट हाँ है ना कौन सा बोलेंगे बेटा कमोडिटी मार्केट एंड नेक्स्ट आज के टाइम पे जो एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है जो है क्रिप्टो मार्केट कौन सा मार्केट क्रिप्टो करेंसी वाला मार्केट हाया ना तो क्रिप्टो एक बहुत हवा बना हुआ है भाई साहब आज के टाइम पे क्रिप्टो का मतलब क्या हो गया बाबूजी सर इट इज इट इज इट्स लिक्विड मार्केट हाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है कमोडिटी में तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है हाँ जी क्रिप्टो मार्केट का मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है ना उसकी बात कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट का मतलब जो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी बात करते हैं बेटा तो ये सब चीजें यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं बेटा मार्केट होते हैं अरे रे मेरा ये बंद हो गया रे सर सी ए सी टी में ये, सर दस हज़ार में एग्जीक्यूटिव करेंगे कराएगा क्या साले बार्गेनिंग तो ऐसा करते जैसे मैं कपड़े बेच रहा हूँ भाई सालो शर्म करो भाई सर क्रिप्टो में भी ट्रेड करो मैं नहीं करता हूँ ट्रेड क्रिप्टो में मतलब मैंने कभी करा ही नहीं है और ना ही मैं मैंने कभी सोचा है क्रिप्टो का पता नहीं मुझे कभी ऐसा मैंने स्टडी नहीं करी कभी क्रिप्टो की सर वापस समझा दो तो, कमोडिटी मार्केट कमोडिटी मतलब जिसमें गोल्ड खरीदते हो जैसे तनिष्त्र को गोल्ड खरीदना है सिल्वर खरीदना है गैस खरीदना है गैस बनाना नहीं है गैस खरीदना है बेटा नेचुरल गैस है ना अरे नेचुरल गैस इज अ कमोडिटी है ना जो आप खरीद सकते हो बेच सकते हो क्रूड ऑयल खरीद सकते हो क्रूड ऑयल बेच सकते हो वो कमोडिटी मार्केट में आएगा है ना एक मिनट मेरा ये बंद हो गया जस्ट रुकिए बेटा चलो बोले मेरा ना आपका ना पंद्रह में ही कर दो सर तो चाइना और कुछ कुछ कंट्री में तो आ, क्रिप्टो को इलीगल कर दिया गया यस yes, किया वर्क है सही है बिल्कुल सही है बेटा बिल्कुल सही पकड़े हो तुमने कुछ कुछ कंट्री में करा हुआ है इलीगल एक मिनट थोड़ा सा चार्ज होने दो सर गोल्ड तो रिटेल रिटेल शॉप की बात अलग है हम रिटेल की बात नहीं कर रहे हैं अपन जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं ना खरीदना बेचना वो कमोडिटी मार्केट में आएगा वो कमोडिटी मार्केट में आएगा चलो लेक्चर को लाइक नहीं करा तुमने तो जल्दी से लाइक कर दो बेटा जल्दी से कर दो बेटा कल ना बेटा अजी कल लो ना बेटा करते क्यों नहीं कल ना बेटा एक मिनट मेरा बै बै बैटरी डिस्चार्ज हो गया थोड़ा सा चार्ज करने दो इसको चार्ज क्यों नहीं हो रहा है यार तू ना दोस्त थर्ड फ्लोर पे जाना ना थर्ड फ्लोर का पता क्या तेरे को क्लासरूम अपना अपन अंदर बैठे थे एक बार वहाँ से एक आईपैड ले आना ना दूसरा वाला <coughs> एक मिनट रुकना बेटी बुसबा एक मिनट रुकना बेटी बुसबा सर मेरी बात सुन लो ना क्या सुने तेरी बात बेटा दीक्षा दीक्षा सिंह बोलिए जी क्या सुने तेरी बात बेटा बता तू बोल वो बोले वो कर देता हूँ अच्छा चलो ठीक है अभी मैं आ रहा कुछ चीजों के ऊपर जब तक आता है, मैं के डिस्कस करें। Sir, ट्रिप है ना, हाँ, ना? किसकी दोस्तों बैंकिंग मार्केट की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं अलग अलग सेक्टर है फाइनेंशियल मार्केट में पहला क्या है आपका बैंकिंग सेक्टर तो देखो यार बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें आज के 1920-1921 बीस की अगर मैं बात करूं बैंक अलग अलग टाइप के होते हैं है ना अलग अलग टाइप के क्या होते हैं भैया बैंक होते हैं एक होता है कमर्शियल बैंक इंटेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या इंटेंशन है कमर्शियल बैंक का जैसे आईसीआईसीआई बैंक इज अज बेटा आपका कमर्शियल बैंक तो कमर्शियल बैंक का इंटेंशन है पैसा कमाना बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा है रुपया बाप ना भैया सबसे बड़ा क्या है भैया आपका रुपया तो कमर्शियल बैंक का काम है पैसा कमाना और कमर्शियल बैंक को चार पार्ट में डिवाइड किया गया कितने पार्ट में चार पार्ट कमर्शियल बैंक का काम क्या है पहले तो ये बता दो पैसा कमाना और कमर्शियल बैंक को कितने पार्ट में डिवाइड किया भैया मित्रों किया मित्रों चार पार्ट में डिवाइड किया है कितने पार्ट में डिवाइड किया है चार पार्ट में पूछो कौन से कौन से पूछो कौन से कौन से ये देखो मैं घूम रहा हूँ ये देखो मैं छोटा हो गया हूँ दिख रहा है आपको छोटा शुभम हाँ जी देखिए जी देखिए 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 क्या हो रहा है इस दुनिया को कितना हो गया है छोटा मेरा मतलब मैं सॉरी ये देखो कितना हो गया हूं मैं बड़ा आओगे सर क्या बच्चों जैसे कर रहे हो यार आप भी यार सर है कब सुधरोगे आप भी बताओ चलिए तो देखो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से मार्केट की बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो बैंक में सबसे पहला होता है कमर्शियल बैंक कौन सा बैंक कमर्शियल बैंक व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक अरे आईपैड डिस्चार्ज हो गया डालिंग दूसरा लेके आना ये ले जा इसको चार्जिंग में लगा दे और ये पेंसिल भी ले जा पेंसिल भी डिस्चार्ज है आईपैड भी डिस्चार्ज है हाँ थोड़ा सा हुआ हाँ जी नहीं है ये लेके आएंगे चलो कमर्शियल बैंक को सुन लो पहले तब तक कमर्शियल बैंक को कितने पार्ट में डिवाइड किया अच्छा, चार एक है पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बेटा जी पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या है दोस्तों वट इज पब्लिक सेक्टर बैंक तो पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा है जिसका काम है भैया जिसका मेजोरिटी कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास है पब्लिक सेक्टर बैंक का पब्लिक सेक्टर बैंक में कंट्रोल किसके पास है दोस्तों किसके पास है गवर्नमेंट के पास है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कंट्रोल किसके पास है बेटा गवर्नमेंट के पास है ठीक है ना पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कंट्रोल किसके पास है गवर्नमेंट के पास है बहुत बढ़िया सर पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर प्राइवेट सेक्टर बैंक बताइए सर क्या बताइए प्राइवेट सेक्टर बैंक बताइए सर प्राइवेट सेक्टर बैंक तो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की दोस्तों सर कमोडिटी मार्केट में कुछ फिक्स प्रोडक्ट ही होते हैं हाँ बेटा कुछ फिक्स प्रोडक्ट ही होते हैं अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होता है ना प्राइवेट सेक्टर बैंक उसका कंट्रोल प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होता है किसके पास होता है प्राइवेट शेयर होल्डर शेयर होल्डर के पास उसका कंट्रोल होता है प्राइवेट शेयर होल्डर मतलब एग्जाम्पल क्या है बेटा ड्राफ्टिंग करवा दिया ना रीति मैंने अपलोड कर दिया लेक्चर यूट्यूब पर बाबू YouTube पे अपलोड कर दिया है हाँ ना जैसे आईसीआई बैंक इज द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक तो पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक में कंट्रोल किसके पास होता है गवर्नमेंट के पास प्राइवेट सेक्टर बैंक में कंट्रोल किसके पास होता है प्राइवेट शेयर होल्डर के पास ठीक है फिर तीसरा है बेटा जी आपका थर्ड वन है बेटा आपका जिसको हम बोलते हैं फॉरेन बैंक कौन सा बैंक फॉरेन बैंक देखो फॉरेन बैंक क्या होता है फॉरेन बैंक इज समथिंग जिसका कंट्रोल जो है वो आउटसाइड इंडिया है जिसका इंडिया इंडिया के बाहर है लेकिन बिजनेस में कर रहे है। सर चार टाइप्स बताओ ना कमर्शियल बैंक के के वही बता रहा हूं, चार टाइप्स कमर्शियल बैंक चार टाइप है एक कौन सा पब्लिक बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक दूसरा कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक तीसरा कौन सा थर्ड वन कौन सा पब्लिक प्राइवेट तीसरा फॉरेन फॉरेन की बात करें दोस्तों तो फॉरेन सेक्टर में क्या हो गया फॉरेन सेक्टर में ऐसा हो गया कि भैया बैंक जो है वो इसका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है लेकिन बिजनेस कहाँ कर रही है इंडिया में भी कर रही है एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड बैंक नहीं बोल सकते वर्ल्ड बैंक बिजनेस नहीं करती है एग्जाम्पल के तौर पर एच बैंक का नाम सुना है एच अच्छा डोईश बैंक का नाम सुना है डोईश बैंक अच्छा छोड़ो ये तो सबने सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो सुना है सबने स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी नहीं सुना सिटी बैंक सुना है सिटी बैंक सुना है ना बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सुना है

दिस इज़ वॉट बेटा आपका फॉरेन बैंक उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन फ़ॉरेन बैंक बोलते हैं अच्छा ये किसका लेके आया आईपैड पैड स्वामी बेबी का लेके आएगा तो स्वामी सर का आईपैड कितना अच्छे से रहता है कवर है आईपैड को पेंसिल रखने की जगह है हमारा तो भैया बेड़ा गर्क हो चुका है आईपैड को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे हाँ तो पासवर्ड क्या हाँ जी क्लास देखना है क्या फोर्थ फ्लोर दिखा देना ये कौन सा है फोर्थ फ्लोर वाला एग्जीक्यूटिव ये, ये के लिए एग्जीक्यूटिव तो फोर्थ फ्लोर पे चल रहा है उसका लेक्शन अभी आपको लेके जाएंगे वहां पे। फोर्थ फ्लोर पे ले जाना बेटा इसका पासवर्ड क्या है जस्ट वेट फॉर अ मिनट बड़ी एक मिनट मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ बुक डाउनलोड कर लेता हूँ फिर मैं भेज देता हूँ ना मेरे पास है हाँ वेबसाइट पे भी है लेकिन मेरे मोबाइल में भी है ना कल मैंने भेजा था ना वो है सर सोमित सर के आईपैड में क्या क्या है दिखाओ ना जरा तनुजा गंदी लड़की दूसरों का आईपैड नहीं देखते ना बेटा सर ईगो की क्लास आजकल बोरिंग से लगने लग गई है बेटा थोड़ा सा ये दो टॉपिक लास्ट के थोड़े बोरिंग है बेटा लास्ट के दो जो है ना वो थोड़े से बोरिंग है बेटा मैं क्या है ना थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है बेटा इनफ है संध्या जी इनफ है बेटा तनुजा के क्रश है मोदी से सर अरे रे दिल टूट गया तनुजा तेरा तो भैया दिल टूट गया तेरा तो अनुजा हाय हाय स्मिल सर की कौन है वो कौन की कौन नहीं भाभी जी बुला करो सालो है ना, ना कौन है वो इज्जत दिया करो वे इज्जत दिया करो भाभी जी बुला करो कल से क्या बोलोगे भाभी जी ठीक है ना कोई भी अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो गया बेटा फिर तो सोमेश्वरी शादी के बाद में भी, भी कहेंगे जस्ट ए कॉल फिर बच्चे होने के बाद में भी यही कहेंगे जस्ट ए <laughs> सोमिन सर निकल गए हाथ से अब गाइज हाँ रिया क्या हो रिया है तेरे से पूछ रिया है नहीं पूछ रिया है तू बता रिया है ढोकली ठीक है अच्छा इसमें ना ये ये वाला पोर्शन अपन करने वाले हैं अभी नहीं थोड़ी देर से करेंगे पहले अपन बैंकिंग सेक्टर कर लेते हैं आ जाओ पहले बैंकिंग सेक्टर पे आ जाओ चलो तो बैंकिंग की अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा बैंक है बेटा कमर्शियल बैंक सबसे पहला कौन सा बेटा जी कमर्शियल बैंक करेक्ट है सबसे पहला कौन सा बाबू जी कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक को चार पार्ट में डिवाइड किया गया पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक कौन से चार बैंक है बेटा पहले बताओ पब्लिक सेक्टर बैंक दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक तीसरा कौन सा फॉरेन बैंक और चौथा कौन सा रीजनल रूरल बैंक अच्छा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या हो गया दे आर देशनलाइज बैंक सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल बैंकिंग सेक्टर इंडिया का है और मेजोरिटी स्टेक किसके पास है गवर्नमेंट के पास तो so, क्या बोला गया है पब्लिक सेक्टर बैंक के पास मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास है गवर्नमेंट के पास जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है एग्जांपल क्या हो गया इसका एस बी आई कैनरा बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया यह सब कौन से बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है दूसरा है private sector bank. Private sector bank मतलब जिसका मेजोरिटी स्टेक किसके पास है प्राइवेट शेयर होल्डर के पास है जिसके पास मेजोरिटी स्टेक किसके पास है प्राइवेट शेयर होल्डर सर इसमें क्या आएगा प्राइवेट शेयर होल्डर में कौन कौन आएंगे तो बेटा प्राइवेट शेयर होल्डर में आपके आ जाएंगे, जाएंगे बेटा कौन प्राइवेट शेयर होल्डर में आपके आ जाएंगे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में आएगा आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा आपका कौन सा बैंक आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक एच बैंक ये सब प्राइवेट बैंक है है ना आई एच डी एफ सी आई सी आई सी आई कोटक नहीं, नहीं पंजाब भी नेशनलाइज बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है तीसरा है फॉरेन बैंक फॉरेन बैंक मतलब जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फॉर कंट्री में लेकिन क्या इंडिया में भी बिजनेस कर रही है हाँ और मेन चीज इनको दोनों कंट्री के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं जैसे सोचो अगर सोमिल सर की शादी किसी अंग्रेज से होती सोमिल सर की शादी किसी सी अंग्रेज से होती अंग्रेज नहीं मतलब लड़की से होती अंग्रेज लड़की से होती अगर गोरी चमड़ी वाली लड़की से शादी होती तो उनको क्या दोनों दोनों कंट्री के रीति रिवाज मानने पड़ते थे मतलब एक बार वो शादी करते थे साथ फेरे लेते थे हिंदू रीति रिवाज से और दूसरा फिर वो चर्च में जाते थे yes no, और शादी करते थे करेक्ट है चर्च वाली शादी मेरे को करनी है यार ठीक है तो सर समाधान बैच दे, देख देखिए पक्का वो मॉडल निकलने वाला है हाँ जी पक्का निकल जाएगा बेटा सानी का जी तो दिस इज वॉट बेटा आपका दोनों कंट्री के लॉ फॉलो करने पड़ रहे हैं अरे केजी जस्ट जोकिंग मुझे कोई सर पे ऐसा वैसा करेश नहीं। हट ओके चौथा क्या बेटा जी फोर्थ वन क्या है रीजनल रूरल बैंक रीजनल रूरल बैंक का मतलब क्या होता है देखो ये गाँव में बैंक होती है रूरल बैंक मतलब रूरल मतलब कौन सा एरिया गाँव वाला एरिया तो ये रीजनल रूरल बैंक की बात करें दोस्तों रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो ये वो बैंक है जिनको देखो जो बैंक गांवों में है है ना जो मेन जो छोटे छोटे गांव है ना वहां पे ये पर किया गया है ठीक है ये भी नॉर्मल सारी फैसिलिटी ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं अच्छा ये देखिएगा बेटा रीजनल रूरल बैंक के एग्जांपल देख लो चलो पब्लिक सेक्टर बैंक देखो कितने टोटल बारह एमसीक्यू में आ सकते हैं टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं बताओ बारह ठीक है दूसरे की अगर हम बात करें सेकंड वन प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने बेटा एक किस आई मीन टू से किस है ना इक्कीस प्राइवेट सेक्टर बैंक है फॉरेन बैंक कितने इंडिया में अभी टोटल मिला के फोर्टी सिक्स बैंक ऑफ चाइना दोहा बैंक है ना ये सब बैंक फॉरेन वाले बैंक है बेटा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है ना ये सब बैंक डोइश बैंक है ना बैंक ऑफ नोवा सोनाली बैंक है तो ली मनाली लगती है माधुरी कवाली ये तो अपनी वाली लग रही है बट नहीं अपनी नहीं है बेटा ना आ, ओके फिर है रीजनल रूरल बैंक और बाप अंजलि ने क्या हटाई करी है अबे ये क्रश वगैरह कुछ नहीं होता पढ़ लो तुम्हें भी सर से ज्यादा स्मार्ट मिल जाएगा <laughs> क्या बात है भैया क्या बात है अंजलि साहब ने खतरनाक खतरनाक कर दिया बेटा चलिए सो फोर्थ वाला कौन सा है रीजनल रूरल बैंक और रीजनल रूरल बैंक जो है वो है फोर्टी थ्री कितने बेटा फोर्टी थ्री जैसे केरला ग्रामीण बैंक कर्नाटका ग्रामीण बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है ना ये सब जो है ना ये आपके रीजनल रूरल बैंक है ये कौन सा बेटा जी आपका रीजनल रूरल बैंक है ठीक है चलिए उसके बाद दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से बैंक बेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या हो गया ये नया मॉडल है एक नया मॉडल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो नॉर्मल बैंक और स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है तो पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ जैसे साहिल बेटा तेरे को अगर तू क्रिकेट खेलने गया लेकिन बड़े बच्चे तेरे को क्रिकेट खेलने में ले नहीं रहे तो तू कहां जाएगा छोटे बच्चों के साथ क्वाइट लॉजिकल जैसे ये सो नो जैसे रिया बेटा रिया बेटा आपके आपके जो क्लास के लड़के हैं वो आपसे पट नहीं रहे तो आप कहाँ जाओगे जूनियर्स को बढ़ाओगे हाँ जूनियर्स को पटा लोगे या फिर लेट से रिया सोमिल सर आपसे पट नहीं रहे तो आप क्या करोगे अपने जूनियर्स मतलब अपने साथों लोगों मतलब अपन नीचे जाते हैं देखो जब बड़े हमको भाव नहीं देते हैं तो हम किसके पास चले जाते हैं छोटों के पास चले जाते हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ये वो बैंक है भाई जिनको मतलब ऐसी चीज है भैया जो बड़े बैंक ना जिस जिसको एंटरटेन नहीं करते उसको कौन एंटरटेन करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द नीश बैंकिंग सिस्टम जो किसको प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देती है विच आर नॉट सर्व सी तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक चीज बता दू आपको मैं जितने भी बैंक है जितने भी बैंक है उनको एक एक्ट लगता है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या नाम है बेटा जी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट करेक्ट है सो बैंकिंग रेगुलेशन सर टीचर्स लाओ बोले कौन से टीचर्स चाहिए तेरे को लेडी टीचर्स चाहिए छोटे बच्चों को डरा कर पटा लेगी रिया अरे रे 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 अरे रे रे ठीक है चले सो टोटल मिला के कितने बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्यारह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा आपने आमिर खान उसका ऐड करता है किराया के साथ आई मी किराया किराया के साथ है ना ठीक है ना कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा उज्जवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आपने सुना होगा या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आपने सुना होगा बेटा ठीक है जिसमें एयू काफी एयू काफी ये है बेटा एयू जो है ना वो आप काफी ये है क्या बोलते हैं फेमस है चलो नेक्स्ट थर्ड वन है पेमेंट बैंक ये नया टाइप है पेमेंट बैंक क्या है दोस्तों नया टाइप है नया टाइप है मतलब क्या दोस्तों नया, मतलब दोस्तो? नया टाइप है मतलब क्या तो भैया एक नया मॉडल लाया गया जैसे पेटीएम का नाम सुना आपने ये पेमेंट बैंक है पेटीएम करो है ना ये नया बैंक है दोस्तों मम्मी बोल रही है कॉमर्स गुरुजी है या लव है जी <laughs> मम्मी आंटी को बोलना आंटी जी ये क्या चैप्टर थोड़ा बोर है तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना थोड़ा कॉमेडी करनी पड़ती है बाकी कुछ नहीं है चलिए तो so, चार टाइप के पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक बैंक और ये में क्या डिफरेंस है इंटरेस्ट तो yes. yes. देती है यस yes. ये भी देती है क्या नॉर्मल बैंक से आप पैसा निकाल सकते हो येस yes. पेमेंट से भी पैसा निकाल सकते हो यस yes. ये तो तीनों सेम पॉइंट हो गए तो है ना ये सेम हो गए चौथा है प्रोवाइड लोन और इन्वॉल्विंग लेंडिंग एक्टिविटी नॉर्मल बैंक लोन देता है पेमेंट बैंक लोन नहीं देता ना जी ना जी ना जी सर भारत पे भारत पे नहीं है बेटा भारत पे बैंक नहीं है बेटा एप्लीकेशन फिनटेक एप्लीकेशन है बेटा भारत पे नेक्स्ट वन नॉर्मल बैंक क्रेडिट कार्ड देता है पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता नॉर्मल बैंक में नॉर्मल बैंक में डिपॉजिट आप कितना भी रख सकते हो नो no लिमिट लेकिन पेमेंट बैंक में एक लाख का लिमिट एक्चुअली दो लाख कर दिया और ये अभी रिसेंटली कितना हो चुका है पाँच लाख हो चुका है ठीक है ना सो so अभी कितना आपके अभी भी मॉड्यूल में कितना दिया हुआ है एक लाख लेकिन ये कितना हो गया है हाँ जी दो लाख हुआ फिर पाँच लाख हो गया बेटा दो लाख हुआ फिर कितना हो गया पाँच लाख हो गया मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट ये देखो अपन देख लेते हैं यार गूगल कर लेते हैं गूगल बाबा नोज एवरीथिंग पेमेंट बैंक डिपॉजिट लिमिट ये देखो कितना बोला गया है ये भी कब का कब किया दो लाख तो आर बी आई हैज़ डबल द मैक्सिमम बैलेंस अ कस्टमर कैन होल्ड एट द एंड ऑफ द डे इन अ पेमेंट बैंक टू कितना टू लाख दो लाख कर दिया है हालांकि ये लिमिट दो लाख से पाँच लाख का प्रपोजल चल रहा था और हो भी गया ये देखो डे एंड डिपॉजिट लिमिट पेमेंट बैंक वॉन्ट्स आर बी आई टू हाइक मैक्सिमम डे डिपॉजिट बैलेंस टू कितना पाँच लाख है ना तो अभी पांच लाख वो मांग रहे थे लेकिन दो लाख तो कर दिया है तो दो लाख अभी अपने को याद रखना है कितना याद रखना है बेटा जी दो लाख याद रखना है तो एक लाख से लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया दोस्तों दो लाख कर दिया ठीक है तो ये हो गया पेमेंट बैंक चलो यहां तक की बातें क्लियर है आपको आज का मैच क्या हुआ स्कोर चलिए ये पेमेंट बैंक हो गया अब देखो यार मेजर डेवलपमेंट सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं बाकी की बातें कल करेंगे चलो हां 1921 में ना क्लोज मार्केट था एक ही बैंक हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम पे जिसको हम बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलते थे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया चलो ठीक है विल स्टॉप ज्यादा हैवी हो जाएगा जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना रिवाइज करोगे तो ही ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा वरना नहीं आएगा रिवाइज करोगे तो ही ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा वरना नहीं आएगा कह दे रहे हम आपसे भैया जी ठीक है ना चलिए तो थैंक यू सो मच गाइज लव यू गाइज टेक केयर बाय बाय या दोस्तों मिलते हैं जोश और नए जुनून के साथ तब तक ले